एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बहन थी और हमको रात में कॉल आया था, उसी के मोबाइल से आया था, उसके फ्रेंड्स ने किया था जो उसके साथ थे। तो वेल जैसे आया कॉल वैसे ही हम पुणे के लिए निकल गए। तो उसकी कॉल उसके मोबाइल से आया था कॉल, तो अभी हमको पता चला। क्या बताया था फ्रेंड्स ने कॉल पर, क्या बात है? उन्होंने वो तो यही बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली एकदम वो नहीं किया, पहले तो ये बोला कि आप एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। तो हमने बोला, हम एकदम घबरा गए कि एकदम से कैसे जाएंगे। तो फिर और थोड़ा सा क्यों क्या हुआ पूछने के बाद बोले कि अश्विनी की डेथ हो गई है, तो आप जल्दी आ जाओ पुणे। तो हमको जैसे ही ऐसा पता चला हम निकल गए बाय कार। वहाँ पर तो एक तो हमारी फ्लाइट्स वगैरह डिले हो गई थी, तो उसकी वजह से टाइम हो गया, तो उसकी वजह से पीएम में टाइम हो गया। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे उसके बाद सब फॉर्मेलिटीज़ करके पीएम पे गई बॉडी। उसमें भी बहुत आई थिंक क्योंकि बॉडीज़ ज़्यादा थी पुणे में, हॉस्पिटल में एक ही शायद पीएम का है डिपार्टमेंट, तो उसमें हमको कुछ 5-6 घंटे लग गए थे। वहाँ से फिर हम बॉडी लेके डायरेक्ट जबलपुर आ गए बाय एम्बुलेंस। आपकी बहन क्या किया था आपकी, तो कब से पुणे पर पुणे में तो उसने अपना ग्रेजुएशन बीटेक जो है वो वहाँ से किया, फिर उसकी वहीं से जॉब लग गई थी। तो कोरोना के टाइम से फिर वर्क फ्रॉम होम था, और अभी रिसेंटली गई थी वो, 4 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे उसको पुणे शिफ्ट हुए। पुणे कब से रह रही थी, पुणे में जबलपुर कब आना है? पुणे लगभग 6 साल, 6 साल से उसका ग्रेजुएशन और ऑफिस चल रहा था 6 साल से पुणे में। और फिर कोरोना के बाद वो घर पे ही रहती थी वर्क फ्रॉम होम। अभी रिसेंटली गई थी वो जनवरी में पुणे। हादसा तो हमको अभी मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो यही पता था कि एक स्पीड में आई कार उसने डैश मारा, उसकी वजह से उसको हेड इंजरी हुई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मगर फिर उसके बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था, और वो पोर्शे कार थी जो सुपर कार है। तो सुपर कार आप एक बिजी रोड में कैसे चला सकते हैं 200 की स्पीड में, और वो भी बिना नंबर प्लेट की, ऊपर से आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से आप माइनर भी हैं। तो ये सब हमको पता चला फिर उसके बाद। भरी तो नहीं करना चाहिए, आपको सब पता होने के बाद आप कर रहे हो, तो उसमें इनोसेंस की कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% इनोसेंस है उसमें। उसको सब पता होने के बाद उसने किया है, तो वही। लास्ट टाइम आपकी बहन से कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी, क्या बताया था? पिछले दिन ही हुई थी ना, 17th को ही हुई थी बात। वही उसने बताया था कि रात में हम लंच मेरी फ्रेंड आई है इंदौर से, उसके साथ डिनर पे जाएंगे, बस इतना बताया था उसने। हादसे के समय क्या उसकी सहेली भी थी जब में जा रहे थे? हाँ, उन लोग फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप गया था पूरा। और फिर उन लोग खाना खा के निकले, कुछ 2:30 पे निकले थे शायद। तो ये अपने फ्रेंड के साथ पहले निकल गई, क्योंकि इनकी बाइक बाहर ही रखी हुई थी शायद, और बाकी की पार्किंग में रखी हुई थी। तो ये पहले निकल गई, इन्होंने यू टर्न मारा और पीछे से ही कार ने आके डैश मारा। फिर ये कोई पहले दूसरे के बच्चे ने नहीं किया है ना कि कार चला ली और ठोक दी, उसमें आप उसको बोल सकते हो 17 साल के। अब लड़के नहीं, आदमी होते 17 साल के, उनको सब समझ में आता है आज के, पहले नहीं आता होगा, मेरे को नहीं पता, मगर आज के दौर में 17 साल का लड़का 35 साल की उम्र के हिसाब से अपना ब्रेन रखता है, और उसको सब पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, और वो डिसीजंस भी वैसे ही ले सकता है। अब इनके डिसीजंस पता नहीं कैसे, और इनके माँ बाप के डिसीजंस पता नहीं मुझे कैसे हैं। सज़ा तो होनी चाहिए, और कानूनन जो भी कार्रवाई होनी चाहिए सही सही तरीके से, मैं यही चाहता हूँ। कम उम्र में गाड़ी नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी कुछ भी हो, नहीं देना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, क्या आपके साथ भी हादसा हो सकता है, अगर वो कहीं ऐसी स्पीड करता, कोई नहीं रहता, वो जाके किसी भी क्रॉसिंग में कुछ भी उसके साथ हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है, वो हुआ नहीं, उसकी किस्मत है वो। और मैं चाहता हूँ कि सज़ा मिले, तो और ऐसा एक एग्ज़ाम्पल सेट हो
कि ये सब और पुलिस में भी ऐसे प्रावधान हो कि आप बिना लाइसेंस प्लेट और माइनर जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट तो पकड़ लेते हैं तुरंत में, मगर गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, वीआईपी बैठा है तो आप तो देखते ही नहीं है नंबर। आज मैंने कितनी वीआईपी गाड़ियां देखी बिना नंबर प्लेट की चलती हैं और सालों से चल रही हैं और उनको कुछ नहीं होता। तो ये एक नया कानून आना चाहिए कि आप वीआईपी हो तो नंबर प्लेट लगाओ ना, आप नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते और माइनर्स को कैसे दे रहे हो? आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म कैसे है? ब्लैक फिल्म की है आपको परमिशन तो करो, मगर आप माइनर्स को नहीं दे सकते ना अपनी गाड़ी।